भरूच तालुका के पालेज स्थित स्टील को गुजरात लिमिटेड कंपनी द्वारा 400 जितने कामदारों को पिछले 12 महीनों का कोई भी वेतन नहीं चुकाते हुए आज कामदारों ने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर हल्ला मचाया था। भरूच के पालेज गांव में आई हुई स्टील को गुजरात लिमिटेड कंपनी द्वारा पिछले कई सालों से कंपनी में काम करते वैसे 400 जितने कामदारों को 12 महीनों का एक भी वेतन नहीं चुकाते हुए आज पीड़ित कामदारों ने कंपनी गेट के खिलाफ विरोध मोर्चा लेते हुए प्रदर्शन किया था, जहां कंपनी के खिलाफ सूत्रोच्चार लगाते हुए माहौल एक वक्त के लिए तंग बना था। 400 जितने कामदारों को स्टील को गुजरात लिमिटेड कंपनी द्वारा पिछले 12 महीनों से वेतन नहीं देने के कारण वे लोगों का परिवार का गुजरान और कई भी आर्थिक परेशानियां बढ़ी है। ऐसे में पीड़ित कामदारों ने ढेरों बार कंपनी के पास वेतन की मांग की है, लेकिन कंपनी द्वारा कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं देते हुए आज पीड़ित कामदारों ने वेतन की मांग करते हुए कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सूत्रोच्चार लगाए थे। स्टीलको गुजरात लिमिटेड पालेज आ कंपनी नो कामदार आगेवान छू अने कंपनी नी अंदर वर्षो थी पगार वधारो नतो थतो ए बाबत में अमे लोकोए मांगणी करता मने कंपनी द्वारा गैरकायदेसर रीते सस्पेन्ड करवामां आवेलो। त्यारबाद कंपनी अंधर वेवन ना लीधे छेल्ला एक वर्ष थी आ कंपनी नो पगार करती नथी अने कामदारों ने कोई योग्य जवाब पण आपती नथी। आजे 400 परिवार आर्थिक भीषमा अने भूखमरामा आ कोरोनानी महामारीमा वलखा मारी रह्यो छे। एवा संजोगोमा कंपनीना कहेवाता प्रतिनिधिओ पण कोई चोखवटपूर्वकनो जवाब आपता नथी। एटले एक लीडर होवाना नाते मारा कामदारोए मारी पर भरोसा ने विश्वास राखीने आजे मारा मंतव्य माटे मने बोलावेलो छे। आ कंपनीना एमडी मितेश शाह करोड़ों रुपयानुं कौभांड करीने गत मार्च महीनामां राजीनामुं आपी निकळी गयेल छे, पण मारी जाणकारी प्रमाणे सुप्रीम कोर्टना जजमेंट प्रमाणे पण ज्यां सुधी कंपनीना लेवड़ देवड़मां गोटाळा होय ત્યાં સુધી એનો જવાબદાર મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જ હોય છે અને હકીકતમાં રોજીરોટી જે લોકોની ગુમાઈ છે એની માટે આ કંપનીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર મિતેશ શાહ જવાબદાર છે। આગામી દિવસોમાં કામદારોના હક માટે અમે ન્યાય માટે લેબર કોર્ટથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી અમારા ન્યાયતંત્ર પર વિશ્વાસ રાખીને અમારા હક્કો માટે લડત આપવા માટે તૈયાર છીએ। સમગ્ર કામદારોનો સાથ સહકાર છે, પરંતુ આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાને કારણે આજે કામદારો અહીંયા હાજર રહેલ નથી। અહીંયા લોકલ કામદારો જે છે એ સાથ સહકાર માટે સહમત છે અને સાથે છે। આ મેનેજમેન્ટ જો આવનાર દિવસમાં અમારા હક્કો નહીં આપે તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા માગે આંદોલન કરીશું, ઉગ્ર રીતે રોડ પર આવીને પણ અમારા હક્કો માટે આંદોલન કરીશું।